गम तो सबके हिस्से में होता है दोस्त, बस फर्क यह है कि कोई बताता है तो कोई छुपाता है। मेरी फितरत जान लो, जरूरत से ज़्यादा मुझसे झुका नहीं जाता, और जहाँ जरूरत नहीं मेरी वहाँ मुझसे रुका नहीं जाता। जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। प्रेम ने मृत्यु से कहा, मुझे सब चाहते हैं, तुझसे सब नफरत क्यों करते हैं? मृत्यु ने कहा, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। इत्र, मित्र और चरित्र किसी के पहचान के मोहताज नहीं होते, यह चारों अपना परिचय खुद देते हैं। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना, हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। किसी मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसके बातचीत से होती है, और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से होती है। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? शौक जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मरमर कर जिया जाए। किसी पिता ने बहुत खूबसूरत बात कही, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। हमने उनका घर बसाने के लिए अपने घर की रौनक ही दे दी। आसानी से मिलने वाली हर वो चीज़ हमेशा तक नहीं रहती, जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई, टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से अंगूठे के निशान पर ले आई। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे, तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। धाक उसकी सैकड़ों पे थी, गिनती भी उसकी शहर के बड़े बड़ों में थी। दफन वो केवल 6 फीट के गड्ढे में हुआ, जबकि जमीन उसके नाम तो कई एकड़ों में थी। एक धोखे से भी हिल जाती है जमीन एतबार की, जिंदगी तबाह करने के लिए भूकंप का आना जरूरी नहीं। चाहे फेरे ले लो या कहो कबूल है, अगर दिल में प्यार नहीं तो सब फिजूल है। उसे मस्जिद बनानी है, इसे मंदिर बनाना है, मुझे बस एक चिंता है, कैसे अपना घर चलाना है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है। इसी तरह इंसान को भी कोई और नहीं, उसका अभिमान नष्ट करता है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाए, तब आप समझ लेना कि आप उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हो। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। बहुत मतलबी है आजकल के लोग, पहले पास आते हैं फिर आदत बन जाते हैं, और फिर छोड़कर चले जाते हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। खेल किस्मत का है सारा, कोई बटर लगाकर खाता है, कोई सूखी ही चबाता है, कोई हर रोज इससे मिल भी नहीं पाता है। दुनिया में सबसे कड़वी चीज इंसान की जुबान है, दारू और कड़ेला तो खामखा बदनाम है। भूल होना प्रकृति है, भूल को मान लेना संस्कृति है, और भूल को सुधार लेना ही प्रगति है। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिस्ती बहुत बारीक है। तेवर और जेवर बहुत संभाल कर रखने की चीज़ है, यूं ही बात बात में सबको दिखाई नहीं जाती। जगह जगह रुककर संभलते क्यों हो? इतना डरते हो तो मंजिल के लिए निकलते क्यों हो? कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है,
हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वो किसी और को खुश करने में व्यस्त रहते हैं। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या फिर रिश्ते। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। दूसरों के घर जाकर पंचायती वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। अजीब सी दुनिया है दोस्त, नज़र यहाँ आदमी की खराब है और घूंघट औरत से करवाते हैं। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस।